सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटी याही प्रखंड के छठी पंचायत में पांचवा दो दिवसीय अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया। इसमें कुल 23 बच्चे और बच्चियों को हिफ्ज करने के बाद सर्टिफिकेट के तौर पर एक पाक दिया गया। ये हिफ्ज किया हुआ बच्चा जहां भी जाएगा अपने गांव सहित राज्य का नाम रोशन करेगा। उसी जलसा में 5 बच्चे का निकाह भी किया गया। फिर सभी आलिम और वलमाओं के द्वारा अमन चयन के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी गई। आज जो आप 2 दिवसीय अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम किए, इसका क्या खास मकसद है? देखिए नदीम भाई, आप मीडिया रिपोर्टर हैं, सबसे पहले आपके आने पर हम खुशामदीद वेलकम कहते हैं, आपका आना मुबारक हो। आपने ये जो सवाल किया है कि अंजुमन अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी, इससे हम तमाम हर धर्म के लोगों को ये पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जिस ईश्वर ने, जिस गॉड ने हमको और आपको पैदा किया है, उसका हम जपना करें, उसका हम जो है हमेशा इबादत करें। और दूसरा पैगाम ये देना चाहते हैं कि हर बिरादरी, हर वर्ग के लोगों को शिक्षा और तालीम को अपनाना चाहिए। शिक्षा से बढ़कर जो है दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि कुरान का जो पैगाम है वो सबसे पहला पैगाम ये है, इकरा, कि आप पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। तो सबसे पहला पैगाम जो है वो क्या है कि आप पढ़िए। तो पढ़ने के एतबार से यानी यह है कि उसमें दुनिया का भी इल्म। आज जो आपके माध्यम से 2 दिवसीय अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस हुआ, जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम किया, इसका क्या खास वजह है? देखिए अजमत कुरान और जश्न दस्तारबंदी, कुरान करीम ये अल्लाह की नाजिल करदह किताब है, और जो आदमी इसका अध्ययन करता है, जो अपने सीने में इसको ज़बानी रखता है, बग़ैर देखे पढ़ता है, उसको हाफिज़ कहते हैं। और जब कोई बंदा या कोई इंसान इस कुरान को रट करके याद करता है, अध्ययन करता है, तो उस खुशी में उसके सर पर एक पगड़ी बांधी जाती है जिसका नाम दस्तार कहा जाता है, उसी को दस्तारबंदी कहा जाता है। ताकि ये पैगाम हो कि ये एक छोटा सा बच्चा होता है जो 14 साल 15 साल का रहता है, और 30 पारे एक जो एक ज़खीम बुक है, ज़खीम किताब है, मोटी किताब है, उसको अपने सीने में ज़बानी रट करके याद कर लेता है, तो एक बड़ी बात है। इसीलिए उस खुशी में उस बच्चे के सर पर ये पगड़ी बांधी जाती है, उसी को दस्तारबंदी कहा जाता है। और कुरान का पैगाम भी यही है कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत और सरचश्मा है, और पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले, पूरी दुनिया इंसानियत को राह दिखाने वाले, और अच्छे काम की तरगीब देता है और बुरे काम से रोकता है। आज कितना बच्चा हाफिज कुरान बने हैं? कुल मुकम्मल 23 बच्चे और बच्चियां हाफिज कुरान बने हैं, जिसमें से 19 बच्चे लड़का हाफिज बना है और 4 बच्ची उस हिफ्ज को, कुरान को मुकम्मल किया है। आज जो 2 दिवसीय प्रोग्राम रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप इस जैसे प्रोग्राम में अपना कीमती समय दिए। मैं मोहम्मद ताजुद्दीन यहाँ का ग्रामवासी हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पूरी टीम की तरफ से, पूरे जिम्मेदारों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि ये जो 2 रोज़ा प्रोग्राम हुआ, इससे क्या पैगाम दिया गया, क्या लोगों में बातें बताई गई। तो मोटे तौर पे हम ये कहेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बताया गया कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगर हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हम सबों को हिदायत मिलेगी, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रह पाएंगे और सुकून के साथ रहेंगे, मुल्क का तरक्की होगा, सारे लोग आपस में
खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाएंगे, यही सब बातें बताई गईं। और साथ ही इस इदारे का भी बहुत अहम रोल रहा, उन बातों को भी उजागर किया गया। जैसे इस इदारे में बहुत सारे सब्जेक्ट की तालीम होती है, हर साल यहाँ बच्चे लगभग 10-20 की तादाद में उफास फारिग होते हैं और मुल्क के बेशुमार शहरों में जाकर के, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर के खिदमात अंजाम देते हैं और कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं। यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद था जो कि उजागर किया गया।